चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वंस अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, दिस इज विशाल कुमार सिंह एंड आई विल टीच यू इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके गाइज, सो बेसिकली वी विल स्टार्ट टूडे फ्रॉम ग्रामर सेक्टर। हम लोग ग्रामर से आज आपका क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद जब लिटरेचर भी पढ़ना होगा तो लिटरेचर को भी देखेंगे, समझेंगे कि हम लोग को लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास Guys, tell me how many students are using NCERT book, NCERT English book in literature? कितने लोग use कर रहे हैं? If you are able to message it. Yes, here. Only two. Anupam, Abhiraj, no. Yes, sir. I. Okay. Shubham, yes, sir. Yes, sir. More guys, Satyajit, yes sir. Yes sir. Okay, चलिए हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा आपके पास पब्लिकेशन चल रहा है। जनरली तो एनसीईआरटी को फॉलो करना है हम लोगों को, बट आई एम यूजिंग एनसीईआरटी बुक, वेरी गुड। ओके, तो अगर एनसीईआरटी का यूज करना हो तो एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे, आज हम लोग केवल ग्रामर को समझते हैं, उसको भी हम लोग एक दूसरे से बात कर लेंगे, कौन से बुक को लेकर चला जाए और पढ़ा जाए, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट। ओके गाइस, सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। सो बेसिकली वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर। इन इंग्लिश ग्रामर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ ग्रामर। ओके, हम लोग को आपका सिलेबस समझना है कि जो कि आपको क्लास 8 में पढ़ना है। वन थिंग मोर गाइस, इट इज अ हाई टाइम टू इम्प्रूव इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आप लोगों के लिए एकदम उचित समय है कि आप हर एक सब्जेक्ट में, इधर यू आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट, यू हैव टू जस्ट सिंसियर एंड स्टार्ट स्टडी इन अ वेरी गुड वे। आपको स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ना सही तरीके से। और स्पेशली अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो आपका अगर बेसिक क्लास 8 में मजबूत हो जाएगा, आपको ज्यादा ग्रामर की पोर्शन के बारे में इंट्रोडक्शन जानना है और 60-75% कवर करना है, ठीक है, रूल्स और जो भी आपका रूल्स है। बट अगर ये आपका टोटली क्लियर हो जाएगा तो 9th-10th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी चीज समझने में। ओके, सो आप लोग भी एकदम बेसिक से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, और जहां पे प्रॉब्लम हो, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम होगा, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू राइट मैसेज। ओके, एट लास्ट आई विल गिव यू 10 मिनट्स वेयर यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क क्वेश्चन। ओके गाइस, ओके एवरीवन, चलिए अब हम लोग देखते हैं सिलेबस को। सबसे पहले हम लोग टेंस को पढ़ेंगे, टेंस को समझेंगे, क्योंकि टेंस अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो उसमें ये आपका बैकबोन होता है, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका टेंस क्लियर है तो मैक्सिमम चैप्टर में ग्रामर के आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका टेंस जो रहे वो स्ट्रांग रहे, इसके आगे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम आगे की बात करते हैं चैप्टर की, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, तो जब तक आपका टेंस क्लियर नहीं होगा तब तक आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच क्लियर नहीं होता। क्योंकि बेसिकली इसमें हमें पहचानना रहता है कि कौन सा टेंस है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, उसके बाद अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, पैसिव वॉइस की बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं वॉइस के बारे में, ठीक है ना, जब ये पढ़ेंगे तो समझेंगे कि वॉइस भी क्या होता है, अच्छे तरीके से थ्रोली इसको समझेंगे, इसके डिफिनेशन को समझेंगे। तो उससे पहले आप लोग को ये समझना चाहिए कि ये भी जो पार्ट है, जब तक आपका टेंस क्लियर नहीं होगा तब तक ये आपका 100% क्लियर नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं जाकर ये आपको प्रॉब्लम देगा। ओके, बेसिकली इतना करने के बाद हम लोग आएंगे नाउन को पढ़ेंगे। ओके सर, आपका साउंड क्लियर नहीं। एम आई नॉट ऑडिबल? सर, योर साउंड इज वेरी क्लियर। ओके, थैंक यू। चलिए तो इसके बाद हम लोग नाउन को देखेंगे। नाउन को देखने के बाद, नाउन जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे प्रोनाउन की तरफ। यू नो वेरी वेल गाइज, पीपल नो वेरी वेल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन।
चलिए उसके आगे देखते हैं, ठीक है, नाउन प्रोनाउन। उसके आगे अगर हम बात करते हैं देन वी हैव टू रीड अबाउट वर्ब, वर्ब को पढ़ना है, वर्ब को समझना है इसके बारे में कि बेसिकली वर्ब क्या होते हैं। अभी तक हम लोग मैक्सिमम गाइज यही समझते हैं डूइंग एंड एक्शनल वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, यानी कि जो एक्शनल वर्ड्स होते हैं वही वर्ब होते हैं, ऐसा नहीं है। इसके साथ जो स्टेट को बताए विच टेल्स अबाउट स्टेट एंड पोजिशन, ये सब क्या होते हैं, वर्ब्स के टाइप्स होते हैं, वर्ब्स के पार्ट होते हैं। After that we will read adverb. उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? Adverb को पढ़ेंगे, adverb को समझेंगे. Then after sir, position, नहीं आ रहा. After that conjunction and then after that order of words and clause. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे. And then after phrase and idioms. ये समझेंगे phrase किसे कहते हैं, idioms किसे कहते हैं इसके बारे में. And after that vocabulary. इसको भी देखेंगे कि यहाँ पे आपका पोर्शन कमजोर होगा, अगर जब तक आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो जनरली यू विल फेस प्रॉब्लम व्हाइल रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर पोर्शन। तो लिटरेचर में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा, ओके। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला जो पोर्शन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा। और जैसे जैसे मैं आपको लिटरेचर पढ़ाऊंगा, एज आई विल स्टार्ट टीचिंग टू ऑल ऑफ यू लिटरेचर ऑन देयर टाइम आई विल आल्सो मार्क दोज वर्ड वेयर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैं उस सारे वर्ड्स को मार्क करवाऊंगा आप लोगों से, ठीक है, निशान लगवाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा जहां पे आप लोगों को दिक्कत होगा, ओके। चलिए इसके आगे देखते हैं, हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं टेंस के बारे में। बेसिकली एनीवन डिफाइन व्हाट इज टेंस, आप लोग इसे डिफाइन कीजिए कि टेंस क्या है। म्यूट कर दीजिए सर। टेंस इज टाइम। यस सर, सर टेंस इज टाइम आल्सो। सर टेंस के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन पाएगा सर। If it is possible, text everyone. Text message. Text कीजिए और बताइए message. कि time और tense. देखिए जो generally हम लोग समझते हैं ना, हम लोग का misunderstanding रहता है कि time और tense both are same. Both same नहीं होते हैं. Both have different works. Okay? Tense is time. No. It demonstrates the time of action in a sentence. Very good. Tense define time. Tense shows the times. No guys, चलिए हम लोग देखते हैं, ओके, और समझते हैं टेंस के बारे में थ्रोली, इसको देखते हैं और समझते हैं कि कैसे, what is tense? And we will also understand about the words of work of tense. Okay, so let us start. देखिए generally सबसे पहले यहाँ पे कुछ words लिखे हुए हैं examples में, उसको आप देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा, okay? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है I write a letter, I wrote a letter. I have written a letter or I shall write a letter. Okay? ये आप sentence में देखिएगा जो भी words जो है ना read, read mark से किए गए हैं, write, wrote, have written, shall write. Okay? तो आपको सबसे पहले ये समझना है, आप देखिए तो सबसे पहले आप बताइए, देखिए आप सबसे पहले देखिए आप लोग आप बताइए इसके बारे में, ठीक है ना, कि ये जो सेंटेंस है आई राइट अ लेटर, ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, इसके बारे में बताइए आप लोग। प्रेजेंट टेंस, वेरी गुड, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वेरी गुड वेरी गुड। ये सेकंड की बात करते हैं, आई रोट अ लेटर, ये
past tense, very good everyone. I have written a little. ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड. आई शैल राइट अ लेटर, ये इसके बारे में बताइए. देन आफ्टर टॉक स्पीक अबाउट दिस सेंटेंस, फ्यूचर टेंस, वेरी गुड गाइस. तो आप जनरली देखिएगा कि जैसे जैसे ये मेरे वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मेरे ये वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है, वैसे वैसे मेरा टेंस भी चेंज हो जा रहा है. ये राइट ये वर्ब वन को बता रहा है. जनरली आप जानते हैं ना वर्ब के बारे में, दे आर फाइव ये जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब के फॉर्म्स, ठीक है ना. वर्ब वन, वर्ब सेकेंड, वर्ब थर्ड, वर्ब फोर्थ और वर्ब फिफ्थ. जनरली अभी आप ये समझिए, ठीक है. तो ये जो होते हैं, तो ये आई राइट यहाँ पे वर्ब फर्स्ट की बात हो रही है ना, तो ये जब वर्ब वन फर्स्ट की बात हो रही है तो ये प्रेजेंट टेंस को बता रहा है. जैसे ही यहाँ पे रोट हो जा रहा है तो किसको बता रहा है आपको, सिंपल पास्ट टेंस को बता रहा है. ओके, आई हैव रिटन अ लेटर, जैसे ही इसमें बता रहा है, इसमें आई हैव रिटन अ लेटर, तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट को बता रहा है. और आई शैल राइट अ लेटर, तो शैल राइट, ओके, ये किसको बता रहा है आपके, तो ये फ्यूचर को बता रहा है. ओके, वेरी गुड. तो आप देखिए, आई राइट अ लेटर, ये क्या है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. और ये आई रोट अ लेटर, ये क्या है आपका सेकेंड फॉर्म है. आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है. तो यहाँ पे रिटन आप देख रहे हैं तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है. और यहाँ पे राइट की बात करें तो ये वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है. ओके, सभी कोई को नोट करना है, ठीक है. आप लोग मैसेज कम करो, जस्ट सिट विथ वन नोटबुक पेन एंड राइट इट. ओके, सभी कोई को नोट भी करना है, नोट करते हुए चलना है. तो चलिए, तो आप देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे आपका वर्ब में चेंजिंग आ रहा है, आपका टेंस भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो हम कह सकते हैं कि नहीं, डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस. डिफरेंट यूज ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस, यानी डिफरेंट डिफरेंट वर्ब का यूज होना, ठीक है, भिन्न भिन्न वर्ब का यूज होना, ठीक है ना, समय के अनुसार, वही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है. दूसरे इन वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब. टेंस क्या है, टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. ये क्या है आपका, तो जो डिफरेंट डिफरेंट जो आपका फॉर्म्स होता है वर्ब का, उसी का अध्ययन, उसी के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है. इज देयर एनी प्रॉब्लम गाइज, क्या किसी कोई प्रॉब्लम है यहां तक. किसी को प्रॉब्लम यहां तक समझने में, टेक्स्ट द मैसेज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम. नो सर, वेरी गुड. सो राइट इट फास्ट. चलिए आगे देखते हैं. ओके, अब देखिए, जो हम जनरली क्वेश्चन जो फर्स्ट पूछे थे कि टाइम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन. ओके आदित्य कुमार, टेक्स्ट द मैसेज वेयर यू हैव प्रॉब्लम. आदित्य, यू विल गेट पीडीएफ. ओके गाइस, सो डोंट वरी रिगार्डिंग दिस, डोंट वरी रिगार्डिंग दिस. ओके गाइस, you will get PDF. After that you can write very easily. So try to understand right now whatever I am teaching you. आप लोगों को समझना है जो कुछ भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अभी. ओके, ये थोड़ा सा भी ये प्रॉब्लम नहीं रखो कि सर बैक कीजिए. ओके, ऐसा कुछ नहीं है, आपको PDF मिलेगा. क्या रिपीट करें बोलिए, आप बोलो क्या रिपीट करें. तो टेंस का डिफिनेशन, different use of verbs according to time, different use of verbs according to time is called a tense. ठीक है ना, यानी verb का different different use समय के अनुसार ही क्या कहलाता है, tense कहलाता है. Okay, चलिए, now you have to tell me the difference between time and tense. आप मेरे को बताइए, difference बताइए, time और tense में क्या difference है. टेक्स्ट कीजिए मैसेज.
देखिए समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक तरफ आप भी ऐसे ही ट्राई लिखने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई टू लाइक राइट लाइक दिस, वन हैंड यू हैव टू राइट, वन साइड यू हैव टू राइट टेंस एंड अनदर साइड यू हैव टू राइट टाइम। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके आगे। जब बेसिकली आप टेंस की बात करते हैं, ये एक्शन को बताता है, ठीक है ना। टेंस टेल्स अबाउट एक्शन, ये आपके एक्शन को बताता है, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, और टाइम जो, वेरी गुड, टाइम क्या है आपका, नॉन ग्रामेटिकली पार्ट है, वेरी गुड। अब देखिए टाइम, अगर हम टाइम की बात करते हैं तो ग्रामर के सेक्शन से पहले भी टाइम था, उस समय भी एक टाइम होता था ना आपका, पास्ट हुआ करता था, पीछे का दिन, ठीक है ना, फिर प्रेजेंट और फ्यूचर। जनरली आप अभी एग्जांपल ले सकते हो, आज जो हम लोग का चल रहा है वो क्या है, अभी प्रेजेंट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट टाइम है, ये आपका क्या है, प्रेजेंट टाइम है। ओके, जो पीछे बात हुआ वो क्या था आपका, तो पास्ट का टाइम था, और जो फ्यूचर में बात होगा वो किस चीज का टाइम है, तो आपका वो फ्यूचर को बताएगा, ठीक है। तो बेसिकली टाइम क्या बताता है, स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताता है। ओके, हम टेंस की बात करते हैं तो जनरली देयर आर फोर काइंड्स ऑफ टेंस विच वी नो, जो कि हम जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा डीपली समझेंगे आज। सबसे पहले तो टेंस की हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट इनडेफिनिट टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल टेंस भी बोलते हैं, बोलते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल टेंस भी कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा आप समझिएगा, यहाँ पे आप लोगों को लिखना भी है, ओके, आपको क्या करना है, जनरली आप लोगों को यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी करना है, जो जो मैं आपको बताऊंगा आपको लिखना है, ओके। तो इनडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, सपोज करो, ओके, मैंने आपको बोला कि आप जाइए, ठीक है, और एक बुक लेके आओ, एक बॉक्स में बहुत सारा बुक रखा हुआ है, उसमें से एक बुक को लेके आओ, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स था। आप गए बुक को लाने, वहां पे आपका ध्यान आता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, वहां पे आप सोचते हैं कि मैंने तो सर से पूछा ही नहीं कि मुझे कौन सा बुक लेना है, ओके, मैंने तो सर से पूछा ही नहीं कि मुझे कौन सा बुक लेना है, उसी टाइप का ये है। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्शन को बताता है, डिफरेंट डिफरेंट आपके ये वर्ब को बताता है, समझिएगा मेरी बात को। जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप अपने नोटबुक पे लिखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ओके गाइस, राइट इट, आई गो टू मार्केट, सभी को लिखिए इसको, आई गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ही विल गो टू मार्केट। अब जनरली यस उज्जवल, क्या प्रॉब्लम है आपका, पूछिए, आस्क, आस्क क्वेश्चन, सर जो आप अभी बोले एक बार रिपीट कर सकते हैं, स्पीक वंस अगेन, सर एक बार आप जो बोले हैं रिपीट कर सकते हैं, क्या बोलो, क्या रिपीट करें, सर वही जो भी बोले, आई गो टू मार्केट, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आई गो टू मार्केट, सर आप अभी बोले ना, आई गो टू मार्केट, बोलिए फिर से, हेलो हेलो हेलो, ओके चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेंटेंस जो बोले उसको रिपीट करें, ओके, मैंने बोला आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक गाइज, आई गो टू मार्केट, He goes to market. He goes to market. He will go to market. Okay? जैसे आपने sentence को लिखा, okay, as you have written the sentence, you will get that in the first sentence, आप देखिएगा कि पहले sentence में क्या है कि verb का first form है ना, I go to the market. ठीक है, तो go क्या है आपका,
वो क्या है आपका, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड वाले में देखते हैं, ही गोज टू मार्केट, तो यहाँ पे क्या है, ये गोज वर्ब का ठीक है ना फिफ्थ फॉर्म है। ओके एवरीवन, और लास्ट वाले में देखते हैं, ही विल गो टू मार्केट या आई सेल गो टू मार्केट, यही होगा ना, आई सेल गो टू मार्केट। तो ये जो सेंटेंस आपका आई सेल गो टू मार्केट, तो यहाँ पे भी देखिएगा कि आपका हेल्पिंग वर्ब भी है और क्या है उसके साथ वर्ब वन वो का भी यूज किया जा रहा है। तो यही बात है कि इनडिफिनिट टेंस जो है आपका, यहाँ पे बताना मैं यही चाहता हूँ कि इनडिफिनिट टेंस जो कि है ये आपको बता रहा है क्या, इनडिफिनिट टेंस बता रहा है आपके वर्ब वन या वर्ब फाइव, यानी यहाँ पे वर्ब वन का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, वर्ब फाइव का भी यूज कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी वर्ब वन का यूज कर सकते हैं। यही होता है आपका इनडिफिनिट एक्शन, यानी इनडिफिनिट टेंस किस चीज को बताता है, तो इनडिफिनिट एक्शन को बताता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, टेक्स्ट द मैसेज गाइस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मैसेज कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या अदरवाइज रेज योर हैंड। किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर, वेरी गुड। सभी को समझ में आया? वेरी गुड। चलिए अब एक मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पहले उसको लिखिएगा, ध्यान से सुनिए। कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, देयर इज अ नीड टू राइट वन सेंटेंस विच आई एम स्पीकिंग, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखिएगा। आई एम राइटिंग अ लेटर, आप लिखिए तो आई एम राइटिंग अ लेटर। Everyone has written? Has everyone written, guys? Okay. आप sentence को देखिए, क्या ये देखने से लग रहा है कि अब ये पूरा work नहीं हुआ है? या आपको video recording भी group में आएगा और मिलेगा, ठीक है? तो ये sentence को आप थोड़ा सोचिए, इसके बारे में think about this sentence. क्या ये देखने से लग रहा है कि complete work हो चुका है या work अभी जारी है, continue है? कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, वेरी गुड। तो आप जैसे ही देख रहे हो, ओके, कि ये वर्क आपका कंटिन्यू है, तो ये आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि अपने आप में ये वर्क इनकम्प्लीट वर्क भी है। क्या ये वर्क कंप्लीट हुआ है? नो सर, वेरी गुड। तो जब ये वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तब इसे हम इनकम्प्लीट भी बोल सकते हैं ना, कि ये इनकम्प्लीट वर्क को बताता है। तो आप इसके कंटिन्यूअस के बगल में लिखिएगा इनकम्प्लीट वर्क को बताता है जो, ठीक है ना, आप लिखिएगा इनकम्प्लीट। ओके, सर अभी आप लिखने के लिए क्या बोले, क्या प्रॉब्लम है आपका? सर अभी आप बोले ना कंटिन्यूअस के बगल में क्या लिखना है। सॉरी सर, अभी आप बोले ना कंटिन्यूअस के बगल में क्या लिखना है। आप मैसेज करो आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो। ओके, ओके गाइस, सॉरी फॉर दिस।
तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिए आप लोग, मैं बता रहा था आप लोगों को कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो अगर जो आप लेटर लिख रहे हो तो कुछ समय के बाद ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, ये पहले बताओ आप। कंप्लीट होगा ना? कंप्लीट होगा, वेरी गुड। तो ये जब कंप्लीट होगा आपका, तो इसे हम क्या प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? प्रोग्रेसिव कह सकते हैं ना। और यही कारण है कि इस सेंटेंस को, इस जो ये हमारा टेंस होता है कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। आस्क क्वेश्चन, पूछिए आप अपना क्वेश्चन। आस्क योर क्वेश्चन। यस उज्जवल, आस्क योर क्वेश्चन। सर कंटिन्यूअस टेंस, हाँ सर उसका बताइए ना। कंटिन्यूअस टेंस को सर एक बार बताइए ना फिर से। फिर से बोलिएगा सर। कंटिन्यूअस टेंस के पास आप कुछ बोले थे क्या लिखने के लिए? कंटिन्यूअस टेंस को फिर से बताएं। यस सर। ओके, सुनिएगा आप लोग ध्यान से सुनिए कंटिन्यूअस टेंस को, थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। ओके, कंटिन्यूअस टेंस मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, आप ध्यान से देखिएगा उस एग्जांपल को। ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि एक लेटर आप मैसेज करो, आप एक क्या करो कि पहले अपने नोटबुक पर उसे लिखिए आप लोग कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। मैंने बोला उसके बाद कि आप उस सेंटेंस को देखिए कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने बताया आपको कि अभी भी लेटर क्या है, जारी है, अभी भी आपने लेटर को कंप्लीट तरीके से नहीं लिखा है। ओके, तो जब नहीं लिखा है तो ये क्या अपने आप में इनकम्प्लीट वर्ड को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? इनकम्प्लीट वर्ड को बता रहा है ना। तो वही मैंने बताया यहाँ पे कि ये कंटिन्यूअस टेंस जो है आपके इनकम्प्लीट वर्ड को बता रहा है। ओके एवरीवन, चलिए। और इसी को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया कि इसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं परफेक्ट टेंस को। चलिए, एक आप फिर नोटबुक पे अपने एक सेंटेंस को लिखिएगा। सबसे पहले एवरीवन हैज टू राइट अ सेंटेंस विच आई एम टेलिंग। चलिए राइट से ही, रिटन से ही लेते हैं। ही हैज रिटन अ लेटर। चलिए इस सेंटेंस को देखिए, ही हैज रिटन अ लेटर। या एक और सेंटेंस लिखिए, ही हैज प्लेड क्रिकेट। ही हैज प्लेड क्रिकेट। हैज एवरीवन रिटन, या सभी कोई लिख चुके हो? सर दोनों सेंटेंस को लिखना है। हाँ, जो मैंने अभी आपको एक टेंस बोला, आपको एक सेंटेंस बोला, वो सभी कोई लिख चुके हो? सर आपने दो सेंटेंस बोला सर। हाँ, लिख चुके हो ना दोनों सेंटेंस सर को? यस सर। सर और स्क्रीन सर आगे। ओके, तो आप थोड़ा सा इस सेंटेंस को देखिएगा, जो ये आपके परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड को बता रहा है कि नहीं, कि मैं लेटर लिख चुका हूँ। उसके हिंदी देखिएगा तो क्या होगा, आई हैव रिटन अ लेटर। मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, यानी कि जो भी वर्क दिया गया था। सपोज करो आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है कि एक लेटर को लिखो, तो आपने बोला कि आई हैव रिटन अ लेटर, यानी मैंने जो आपने मुझे वर्क दिया था, आपने जो मुझे ये वर्क दिया था, मैं उसे कंप्लीट कर चुका हूं। तो परफेक्ट टेंस जो है आपका जनरली कंप्लीट वर्ड को बताता है कि नहीं बताता है? बताता है ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि परफेक्ट टेंस किस चीज को बताता है? कंप्लीट वर्ड को बताता है, ठीक है। किसे बताता है? कंप्लीट वर्ड को बताता है। ओके गाइस, और परफेक्ट टेंस में हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब चलो उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा, जनरली लास्ट वाला जो है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो है ना परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें थोड़ा ध्यान से देखो। ये कंटिन्यूअस जो कि हम पहले यहाँ पे पढ़ चुके हैं ना, ये कैसे वर्ड को बताता है? तो इनकम्प्लीट वर्ड को बताता है।
बताते हैं ना इनकम्प्लीट वर्क को, और परफेक्ट किसको बताता है? अभी हमने देखा परफेक्ट किसको बताता है, तो कंप्लीट वर्क को बताता है। ओके तो यानी हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों वर्क को बताए उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके चलो एक जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिखिएगा और बताइएगा कि इसमें कंप्लीट कौन सा है और इनकम्प्लीट वर्क कौन सा है। ओके एवरीवन चलिए, ही हैज बीन reading a newspaper, he has been reading a newspaper for 2 hours. इसमें बताइए कि complete कौन सा portion बता रहा है वर्क को और कौन सा portion incomplete वर्क को बता रहा है, बताइएगा आप लोग। And text the message guys fast. Has been reading complete को बता रहा है, wrong. हाँ very good. जो आपका for 2 hours है ना, यानी कि 2 घंटे हो चुके हैं उसको reading करते हुए, paper को reading करते हुए, तो 2 hours जहाँ पे है वो क्या बता रहा है, complete word को बता रहा है कि 2 घंटे हो गए उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, उस paper को read कर रहा है, पढ़ रहा है, तो has been reading incomplete को बताएगा। ध्यान से सुनिए अब आप लोग, has been reading incomplete को बताएगा। ओके has been reading किसको बताएगा, तो incomplete को बताएगा, और जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है ना for 2 hours वो किसको बताएगा, तो complete word को बताएगा। ओके गाइज इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम यहां तक? हाँ इसका एग्जाम्पल पीडीएफ में मिलेगा, यू विल गेट द एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंटेंस इन पीडीएफ ऑल्सो। ओके सो डोंट वरी रिगार्डिंग दिस, ओनली फोकस ऑन योर स्क्रीन एंड हैव स्टडी इन अ वेरी गुड वे। ओके तो आप जनरली देखिएगा, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं इनडेफिनिट टेंस को, तो ये क्या बताता है आपके, इनडेफिनिट एक्शन को बताता है। ध्यान से सुनिए, डोंट मैसेज गाइज, इनडेफिनिट टेंस किसको बताता है आपको, तो ठीक है तो इनडेफिनिट एक्शन को बताता है। कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं अगर हम लोग, तो ये क्या बताता है आपके, इनकम्प्लीट वर्ब को बताता है। इसके साथ हमेशा हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। ओके और मैंने इसे बताया कि हम इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, क्यों कहते हैं मैंने ये भी बताया। परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसके साथ हमेशा वर्ब हर्ड का यूज होता है, प्रेजेंट की बात करो ठीक है, या पास्ट की बात करो ठीक है, या फ्यूचर की बात करो, इट मींस सिंपल ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करो तो उसमें भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करो तो उसमें भी हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके और लास्ट में अगर हम बात करते हैं फ्यूचर का, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो उसमें भी हम लोग लास्ट में किसका यूज करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वंस अगेन Uzwal has problem. Yes, Uzwal. Ask, क्या कोई problem है? चले देखते हैं आगे। हाँ ये वेरी गुड, अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, क्यों करते हैं इसके बारे में जब हम लोग डीपली पढ़ेंगे ना परफेक्ट कंटिन्यूअस को, तो इसके बारे में हम बताएंगे कि यहाँ पे वर्ब थर्ड का फॉर्म भी यूज होता है ठीक है, आखिर क्या कारण होता है कि यहाँ पे हम लोग वर्ब फोर्थ का यूज करते हैं। ओके चलिए उसके आगे देखते हैं हम लोग। देखिए जो मैंने आपको बताया एग्जांपल देके भी समझाया था, राहुल इज प्लेइंग चेस, राहुल चेस खेल रहा है, यानी कि अभी ये वर्क क्या है, प्रोग्रेस है, जारी है। ओके ये अभी क्या चल रहा है, वर्क चल रहा है आपका। आई हैव इन्फॉर्म रोहित, मैंने रोहित को क्या किया है, इन्फॉर्म कर चुका हूँ, मैं रोहित को इन्फॉर्म
कर चुका है, ये कंप्लीट वर्ब को बता रहा है, बता रहा है ना, तो इसके सामने लिखिएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस जो मैंने बताया आप सभी को, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस किस चीज को बता रहा है आपके, तो ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट वर्ब सभी को बता रहा है। अब देखिए इसके बाद मैंने आपको एक बोला था कि एग्जाम्पल जहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कंप्लीट पोर्शन को बता रहा है और कौन सा इनकम्प्लीट पोर्शन को बता रहा है, तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए फॉर 2 आवर्स जो है यानी 2 घंटे तो कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद भी मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट में खेल रहा हूँ, तो फॉर 2 आवर्स जो है आपके ये क्या है, ये आपका कंप्लीट वर्क है, और हैव बीन प्लेइंग ये आपको क्या बताता है, इनकम्प्लीट वर्क को बताता है। इज देयर एनी डाउट गाइस, यहाँ तो कोई डाउट्स, जो कुछ भी हम लोग पढ़े यहाँ पे देखिए एग्जांपल के साथ है, किसी कोई प्रॉब्लम नो? चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करते हैं और प्रेजेंट टेंस को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस आता है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है, तो डू होता है और डज होता है, डू और डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो कौन कौन सा होता है, डू होता है और डज होता है। आ रही बात समझ में, डू जो होता है आपका प्लुरल वर्ब होता है और डज जो होता है आपका सिंगुलर वर्ब होता है। ओके एवरीवन, अब देखिए आप एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी से एकदम याद रखिएगा इसको, कि सिंगुलर वर्ब में, सिंगुलर वर्ब ओके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगाकर, व्हेन वी ऐड एस और ईएस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी मेक दैट वर्ब इन सिंगुलर, जब कभी भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का ऐड करते हैं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है जो कि सिंगुलर वर्ब होता है। Getting everyone? देखिए जैसे आपका do है ना, मैंने इसमें add किया es, ये क्या बन गया does, और does क्या बताता है आपका singular verb है, और देखिए जो does जो singular verb है हमेशा singular subject के साथ आएगा, singular subject आपका कौन कौन सा है आप जानते हो ना, he है, she है, it है, कोई भी name particularly जिसकी आप बात करते हो, आपका name, ठीक है ना, नेम हो गया, कोई भी आपका जैसे बॉय है तो बॉय एक, जो एक रहे ठीक है ना, तो वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हम लोग करते हैं, वी ऑलवेज यूज सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब। इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है? नो सर, वेरी गुड। पूछिए सर, आई एम राइटिंग सर, अभी मत हटाइएगा सर। कहाँ पे प्रॉब्लम है आपको? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर मैं अभी लिख रहा हूँ सर, अभी मत हटाइएगा सर। सॉरी पार्डन मी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि सर अभी मत हटाइएगा सर, अभी मैं लिख रहा हूँ सर। हाँ बोलिए अब सर, मेरी वॉइस अब आ रही है? हाँ बोलिए अब, बोलिए अब सर। सर मैं ये बोला था कि सर अभी सर हटाइए मत सर, अभी स्क्रीन में मैं लिख रहा हूँ। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ओके इसका टेंशन नहीं लो, आपको जो कुछ लिखना है अभी जितना लिख ले रहे हो, जितना आप राइट कर ले रहे हो, दैट इज क्वाइट इनफ। ओके ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके अगर आपको इस समझने में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछो, अदरवाइज आप ध्यान से सुनिए, आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, सारा कुछ आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ओके एवरीवन, आप हमेशा हैंड रेज कर रहे हो, आपका प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस यही है। चलिए हेलो हेलो सर, परफेक्ट टेंस एक बार और समझा दीजिए ना। परफेक्ट टेंस के बारे में, जो कंप्लीट वर्ब को बताता है उसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। और सर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो इनकम्प्लीट और कंप्लीट दोनों को बताए, ठीक है ना, जो कंप्लीट वर्ड को और इनकम्प्लीट वर्ड दोनों को बताए उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके सर, थैंक यू।
चलिए आगे देखते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, डज हो गया, और प्लुरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये क्या है आपका डू, दोनों क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर, सिंगुलर क्या होता है इसे भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, इट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। अगर जब हम नाउन की बात करते हैं तो वहां पे सिंगुलर क्या करता है, क्या करता है आपका, इट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, ये एक पर्सन को और थिंग्स को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं सिंगुलर। और प्लुरल किसे कहते हैं, जो एक से अधिक पर्सन को बताए, ओके, जो एक से अधिक क्या करे, पर्सन को बताए और थिंग्स को बताए, तो हम क्या कहेंगे प्लुरल बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बोला यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउन में एस या ईएस लगाकर हम क्या करते हैं प्लुरल नाउन बनाते हैं, क्या बनाते हैं प्लुरल नाउन, ओके गाइस। और वर्ब में एस या ईएस लगा के हम लोग क्या करते हैं सिंगुलर वर्ब को बनाते हैं। देखो जनरली बहुत ज्यादा क्या होता है आपको प्रॉब्लम होगा, बस क्या करो इसमें से मात्र एक को याद रखो, यू हैव टू ओनली रिमेम्बर वन, वेदर यू विल रिमेम्बर दैट नाउन और वर्ब, एक ही को याद रखो, ठीक है। एक दूसरे का एक क्या होता है अपोजिट होता है, अगर नाउन में एस या ईएस लगाओगे तो क्या हो जाएगा प्लुरल नाउन हो जाएगा, और वर्ब में ये क्या होता है अपोजिट होता है, वर्ब में जैसे ही आप एस या ईएस का यूज करते हो वो क्या हो जाता है सिंगुलर वर्ब हो जाता है। एनी डाउट गाइस, एनी डाउट, देखो यहां पे लिखा हुआ है डू प्लस ईएस डज, सिंगुलर वर्ब को बता रहा है। प्लुरल सब्जेक्ट जो होता है आपका, प्लुरल सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है मैंने उसे भी लिख दिया है, आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस, वी यू दे आई बॉयज, ये सब जो भी है एक से अधिक बॉय हो गए तो वो भी क्या हो गए प्लुरल सब्जेक्ट को बता रहे हैं, ओके। इसके आगे देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, तो ही सी इट नेम, ओके, ये कार है ही सी इट नेम, तो ये सब के साथ क्या होगा आपका, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है बताओ तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा, एवरीवन टेक्स्ट द मैसेज, मैसेज करो और बताइए ही सी इट नेम के साथ क्या लगेगा, ही सी इट नेम के साथ आपका डू लगेगा, डज, डज, वेरी गुड, वेरी गुड। और वी यू दे आई बॉयज के साथ हेल्पिंग वर्ब किस पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम लोग, डू, डू, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, अब इसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को देखते हैं, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या होता है उसको देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। जो आपका देखिए जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है इसमें, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका जो क्या होता है आपका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसको बताता है तो पॉजिटिव सेंटेंस को बताता है, ओके। अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस जब भी होगा हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में तो इस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करेंगे और बनाएंगे। इसके बाद बेसिकली हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, टेल मी गाइस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आप लोग मैसेज थोड़ा कीजिए बताइए तो कितने टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, मैसेज कीजिए और बताइए कितने टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं आपके, कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स, टू टाइप्स, टू टाइप्स। बेसिकली अगर हम टेंस की बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सबसे पहले आप समझिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव ना आप अगर स्टैंडर्ड बुक का यूज कीजिएगा तो उसमें आपको कहीं भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं मिलेगा। पहले समझो इंट्रोगेटिव जो होते हैं ना क्या होता है, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ओके। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स बट इन टेंस वी हैव टू रीड ओनली टू टाइप्स, बेसिकली इसके कितने टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग को टेंस में केवल टू टाइप्स पढ़ना रहता है, एक जो होता है यस नो इंट्रोगेटिव, एक क्या होता है यस नो इंट्रोगेटिव, एंड सेकेंड क्या होता है आपका डब्ल्यू एच फैमिली इंट्रोगेटिव या डब्ल्यू एच वर्ड्स इंट्रोगेटिव। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे यस नो इंट्रोगेटिव क्या होता है,
Where we give our answer in yes or no, जहाँ पे हम अपना answer हाँ या ना में देते हैं, ठीक है ना, उस type के question को, उसके जो question पूछा जाता है, उसे हम yes no interrogative sentence कहते हैं। जैसे आप लोग एक examples को अपने notebook पे लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, write everyone on your notebook guys, everyone has to write, do you want to, do you want to play cricket? आप इसका आंसर किस में दीजिएगा, यस या नो में दीजिएगा ना, do you want to play cricket, do you want to play cricket, if you have to give answer of this particular question, in which way you will give, किस प्रकार से आप दीजिएगा, whether you will give in yes or no, या तो आप हाँ में दीजिएगा नहीं तो आप नो में दीजिएगा, right everyone? आ रही बात समझ में, यानी जिस, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यानी कि द आंसर विच वी गिव इन यस और नो इन सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चन दोज पीपल आर आस्किंग दैट टेल्स अबाउट यस नो इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, जिसका आंसर हम लोग हाँ या ना में दे रहे हैं, और जो व्यक्ति इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है वैसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं, तो यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। हाँ मिलेगा आपको एग्जाम्पल मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो आपके नोटबुक पे मैंने लिखवाया ना, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, उसकी टेंशन ना लो आप। चलिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका बेसिकली समझ में आया, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, एक यस नो बताया, डब्ल्यू एच वर्ड्स बताया, और एक जो होता है मॉडल वर्ब्स का यूज करके हम बनाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कैन आई राइट, क्या मैं लिख सकता हूँ, कैन आई टॉक टू यू, मैं तुमसे, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ये भी, इसका भी आंसर आप किस में दीजिएगा, इसका भी आंसर आप लोग हाँ या ना में देते हो, देते हो ना, इसका भी आंसर आप किस में देते हो, या तो हाँ में देते हो नहीं तो ना में देते हो, ओके, बट जनरली टेंस में हमें मॉडल वर्ब का यूज करके क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ओके, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स, ओके, और इंडेफिनिट टेंस में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस में बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव का, तो यही इसका स्ट्रक्चर होता है, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके गाइस, अब देखिए एवरीवन हैज टू टेल मी हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ डब्ल्यूएच वर्ड्स, डब्ल्यूएच वर्ड्स कितने होते हैं, सभी कोई मैसेज कीजिएगा, बताइए तो डब्ल्यूएच वर्ड्स कितने होते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड्स दो होते हैं, पांच होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, सिक्स, छह होते हैं, अच्छा बढ़ रहा है, 5, 6, 7, वेरी गुड, 7 होते हैं, 5, देखिए बेसिकली जो आपके WH वर्ड्स होते हैं ना ये 9 होते हैं, थोड़ा सा आप इसको देखिएगा, यहाँ पे है आपके स्क्रीन पे है, आप देखिए इसको, है ना, देख रहे हो ना आप सभी, जो आपके सामने सेंटेंस है, जैसे व्हाट है, व्हेन है, हु है, हुम है, हुज है, हाउ, विच, हुम, वेयर, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके WH फैमिली वाले WH वर्ड्स हैं, ठीक है ना, WH इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, आ रही बात समझ में, अब WH फैमिली वर्ड्स की बात करते हैं, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इजी होता है, WH वर्ड्स लिखेंगे हम यहाँ पे ओके, और जो हमने पीछे पढ़ा था आप देखिएगा, ठीक है ना, आपने जो पीछे देखा था यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपने, ओके क्या रिपीट कर दे उज्जवल, बोलो आप सब क्या रिपीट कर दे, ओके देखिए हम वही रिपीट कर रहे हैं आपको, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव फिर से बता रहे हैं, सारा कुछ एक बार नहीं, हम दो तीन बार बताएंगे, ठीक है, तो आपको बस पेशेंस रखना है और समझना है, ओके एवरीवन, चलिए देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये WH फैमिली वर्ड है आपका, ठीक है ना, जिसे हम WH वर्ड्स भी बोलते हैं, तो ये बेसिकली इसमें क्या करना है आपके इंट्रोगेटिव जो यस नो इंट्रोगेटिव है, मैं यहाँ पे बता रहा था, ओके कि ये जो आपका यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखो, ये डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट है ना, डू या डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या करना है बेसिकली हम लोगों को इसमें,
केवल इसके आगे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स लिख देना है, ये आपका डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स में हो जाएगा. ओके एवरीवन, गेटिंग एवरीवन? तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का. चलिए मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उसको आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सब में बनाना है. ओके गाइस, किसमें बनाना है? सभी में. ओके एवरीवन, चलिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूं अफर्मेटिव में, आपको उसका निगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है. ओके, आप बना के बताइएगा या मैसेज टेक्स्ट कीजिएगा आप लोग. ओके, मैं सेंटेंस बोल रहा हूं. कैन आई स्पीक? ओके राम, सबसे पहले बताइएगा सेंटेंस क्या होगा. राम स्पीक या स्पीक्स इंग्लिश? राम स्पीक्स इंग्लिश. ओके, स्पीक होगा कि स्पीक्स होगा? स्पीक्स, वेरी गुड. इसमें ईएस नहीं लगेगा, एस क्यों लगेगा? स्पीक्स, वेरी गुड. तो इसका आप निगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, सिंपल सा सेंटेंस है, इसका आप निगेटिव बनाइए. वेरी गुड. Does Ram speak English? Very good. चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आ गया यहां तक. वेरी गुड, आप सभी सही बना रहे हो. देखिए, राम का ना आर कैपिटल होना चाहिए. यू मस्ट हैव टू राइट द कैपिटल फर्स्ट लेटर ऑफ एनी प्रॉपर नाउन. वी नो वेरी वेल अबाउट दैट, वी ऑलवेज यूज फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इन अ कैपिटल लेटर. ठीक है ना, वी ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन. ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल. ओके गाइज, राम डज नॉट स्पीक. ओके ओके एवरीवन, वेरी गुड. चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. आप लोगों को ज्यादा एडवांस लेवल के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बट हल्का फुल्का हम आपको बताते हैं जो कि आप लोगों को समझना है. थोड़ा सा हैबिचुएटेड होना है कि जब हम लोग नाइन्थ में पढ़े तो यू न्यू ना लगे. ओके एवरीवन, चलिए ये तो जनरली हो गया आपका समझने का तरीका. अब इसको हम देखते हैं थोड़ा सा. देखो, जो सेंटेंस A sentence which tells about regular action, daily action और habitual action. वो sentence जो regular action को बताए, daily action को बताए और habitual action को बताए, उसे भी हम लोग present indefinite tense में बनाते हैं. जो sentence आपके regular action को बताए, daily action को बताए, habitual action को बताए, उसे भी हम किस में बनाते हैं? तो हम present indefinite tense में बनाते हैं. अब समझिएगा, कहीं ना कहीं कहने से रेगुलर और डेली, आपका रेगुलर क्या है और डेली क्या है? एक्शन. इसको बाद में समझिएगा. आपका पर डे एक उठने का टाइमिंग होता होगा ना, कितने बजे आप वेकअप करते हो? ओके एवरीवन, एक टाइमिंग आपका होता होगा कि इस टाइम पे आप लोग ब्रेकफास्ट करते होगे, ठीक है ना. जैसे कि कितने का टाइमिंग है ब्रेकफास्ट करने का? टेन ए एम सिद्धि. ओके, तो ये आपका एक टाइमिंग हो गया होगा ना. चलो इन्हीं के एग्जाम्पल से लेते हैं. 9 AM, आप सभी का डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग है ना ब्रेकफास्ट करने का. तो वैसे ही क्या आपका ये पर डे का टाइमिंग है कि नहीं? अगले दिन भी आप इसी टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हो, फिर उसके आगे भी आप 8 AM आयुष, वेरी गुड. तो आपका अगले दिन भी यही आपका रूटीन फॉलो होते रहा होगा, राइट एवरीवन. तो ये आपका जो भी ऐसा सेंटेंस होगा आप बोलिएगा, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा. अब एक बात आप समझिएगा, हैबिचुअल एक्शन को, ऐसा भी वर्क जो आप सप्ताह में एक दिन करो या मंथ में एक दिन करो, लेकिन आप हर एक मंथ के लास्ट दिन वो करते हो, ठीक है ना. जैसे कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है अवंती, ये आपको क्या करता है, संडे का क्लोज रहता है ना, तो फिर अगले संडे को भी क्लोज रहेगा, फिर उसके अगले संडे को भी क्लोज रहेगा, ठीक है ना. तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि मतलब कि एक फिक्स्ड
इंटरवल के बाद वो क्या करे, रिपीटेशन करे, फिक्स इंटरवल के बाद क्या करे, रिपीटेशन करता है, ठीक है ना, वर्ड उसे हम हैबिचुअल एक्शन में, उसे भी हम किस में बनाते हैं, वेरी गुड वीकेंड, वेरी गुड, नहीं वीकेंड हम नहीं बोलेंगे, एक नियत, एक हम फिक्स टाइम पे फिर वो क्या हो जाए, रिपीट करने लगे, ये हम बोलेंगे, ओके। जरा से इसके एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे मैंने लिखा राहुल गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, तो देखो राहुल है ना, ये सेंटेंस देखो, राहुल की क्या आदत है, ये हैबिट है, राहुल की रेगुलर एक्शन है, ठीक है, क्या कि वो पर डे क्या करता है, मॉर्निंग में उठता है, सुबह में उठ जाता है, तो देखो राहुल, राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है राहुल, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लुरल सब्जेक्ट, हाँ ईयरली पे भी अगर वो रिपीटेशन करेगा वर्ड तो हम उसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, सिंगुलर, वेरी गुड, राहुल क्या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, वेरी गुड, नेक्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, तो देखिए राहुल, राहुल आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या लगेगा आपका, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, तो राहुल गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, ठीक है। अब आगे एक सेंटेंस को देखते हैं, अब देखो, अब यहाँ पे बताने के लिए दे क्या है आपका, आप पहले देखिए सेंटेंस को, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, ओके। आप देखो यहाँ पे दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, दे क्या है आपका प्लुरल सब्जेक्ट है ना, वेरी गुड, दे क्या है प्लुरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ आपका वर्ब जो लग रहा है, आप देखो तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है इसमें, फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड। तो यही समझाना चाहते हैं, आई वॉन्टेड टू मेक यू अंडरस्टैंड द सेम थिंग गाइज, ओके, विच यू हैव अंडरस्टूड, आप सभी को समझ में आ गया, विच यू हैव गॉट इट, वेरी गुड। तो ये आपका क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आगे बस समझ में, रेगुलर एक्शन हो, डेली एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन हो, जहां जहां भी बोलेगा तो उसके साथ हम लोग उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे देखो मैंने बोला ना हैबिचुअल एक्शन, ही गोज टू सिनेमा एवरी संडे, यानी वो क्या करता है, प्रत्येक संडे को सिनेमा जाता है, ठीक है, देखने के लिए। अब कुछ समझो सेंटेंस को, अगर आपके सेंटेंस में अगर कोई वर्ड हो, ऐसा की वर्ड्स देखने को मिले, ऑलवेज देखने को मिले, डेली देखने को मिले, रेगुलरली देखने को मिले, समटाइम्स देखने को मिले, एवरी डे देखने को मिले, देखो एवरी ये डे, या एवरी मंथ, या एवरी वीक, अरे बात समझ में, तो ऐसा अगर सेंटेंस में वर्ड देखने को मिलता है तो उसे हम किस में बनाएंगे, वी विल मेक सच काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके गाइज। इतना तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है स्टार्टिंग से, तो पूछो आप लोग, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। नाउ गाइस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम बिगनिंग टू टिल, यू मे रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट, एवरी आवर, हाँ डेफिनेटली एवरी आवर इज ऑल्सो राइट, I will tell you, have some patience, universal truth I will tell you, after that I will tell you, okay, yahan tak agar koi problem hai then you have to ask, एनीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो। उज्जवल सागर इज द हैंड, सर हमको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा, सर आपका फोटो दिख रहा है और स्क्रीन पे जो कुछ है वो नहीं दिख रहा है, नो सर स्क्रीन पे जो नहीं दिख रहा है, वन मिनट गाइस,
राइट नाउ क्या हमारा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? बताइए आप लोगों को क्या हमारा स्क्रीन दिख रहा है? वन मिनट गाइस. यहां तक आप लोग बताओ कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? आइए बताओ. नहीं स्क्रीन नहीं दिख रहा है. वन मिनट गाइस वेट. स्क्रीन तो दिख रहा है आप सभी को मेरा? एम आई ऑडिबल एवरीवन? राइट मैसेज यस ओके. तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे. चलिए आप लोग स्क्रीन सभी को दिख रहा है ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. यूनिवर्सल ट्रूथ बहुत लोग बोल रहे थे कि सर यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताइए. तो आप सबसे पहले समझिएगा. देखिए कुछ जो एग्जांपल से उसको देखते हैं हम लोग थोड़ा सा उसको समझते हैं. एक एग्जांपल को लो. जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है द सन राइजेस इन द ईस्ट. द सन राइजेस इन द ईस्ट. ये आप थोड़े से बात को समझना. जब हम लोग क्लास फोर्थ में फिफ्थ में थे तो बच्चे बताते थे ठीक है. हमारे टीचर्स हम लोग को बताते थे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट ये क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ. इवन जब हम इसकी बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की तो ये क्या होता है. ये मतलब इसे हम बोलेंगे कि ऐसा वर्ड ठीक है ना जिसे हम गलत नहीं साबित कर सके ठीक है ना. उसे हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ. इन हिंदी वी से दैट चिरंतन सत्य. ओके गाइस उसे बोलते हैं. बट एक बात बताना जो आपके साइंस के टीचर है वो आपको बताते होंगे. जो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे द सन राइजेस इन द ईस्ट ये है ना आपका द सन राइजेस इन द ईस्ट. तो इस सेंटेंस को आप देखिएगा थोड़ा. एक बात बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य जो है क्या करता है. सूर्य जो है आपका राइजेस इस से करता है. ऐसा थोड़ी होता है. सूर्य तो एक स्टेशनरी है ना. आपका जो सन जो है वो क्या है स्टेशनरी है और अर्थ उसके चारों तरफ ना रिवॉल्व करता है. राइट एवरीवन. तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं देखने में गलत हुआ ना. तो उसी को टर्म को चेंज करके हम लोगों ने रखा कि साइंटिफिक फैक्ट्स को बताया. जो क्या बताया आपके साइंटिफिक फैक्ट को बताया. ओके एवरीवन. एंड जो मैथमेटिकल फैक्ट्स को बताया यानी साइंटिफिक फैक्ट्स क्या जिसे साइंटिस्ट ने प्रूव किया है उस चीजों को. चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे. जैसे लिखा हुआ है वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो ये आपके साइंटिस्ट ने प्रूव किया है ना कि जो पानी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने पे जब इसका टेम्परेचर हो जाता है तो वो बर्फ बनने लगता है. बनता है ना. तो देखिए ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनाएंगे. किसमें बनाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में. आप देखिए सेंटेंस वाटर क्या है आपका तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं तो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं. तो वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. यहां तक कोई प्रॉब्लम? द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स. द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स. तो ये आपके बताया ना ये साइंटिस्ट बताया आपको कि जो पृथ्वी है इसमें क्या होता है आपका अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसके कारण जो भी ये आपके आप देखिएगा कि ऑब्जेक्ट्स हैं उसको ये नीचे की तरफ खींचता है. तो अर्थ द अर्थ देखिए यहाँ पे अर्थ क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स. ओके द सन राइजेस इन द ईस्ट ये सब हमारा सेंटेंस है. चलिए इसके आगे देखते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं सोडियम रिएक्ट्स विथ एयर. सोडियम किसके साथ रिएक्ट करता है
ये आपके बच्चे आए होंगे ना केमिस्ट्री वाले सर आपको, तो सोडियम रिएक्ट्स विद एयर, सोडियम किसके साथ रिएक्ट करता है, तो एयर के साथ। तो देखिए सोडियम आपका क्या हो गया, तो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट का या ये प्लुरल वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का या प्लुरल वर्ब का, ये बताइए आप लोग। किसका करते हैं हम लोग, ओके गाइस आफ्टर दैट देखिए तो आपका क्या होगा, ये आपका अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं वाटर, वाटर क्या है ये आपका, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो वाटर वॉयल्स, वॉयल्स मीन्स क्या होगा, ये आपका टेम्परेचर इसका क्या हो रहा है, वॉयल्स हो रहा है, ठीक है ना, तो वाटर वॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये सब सारे सेंटेंस आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अब मैथमेटिकल्स कुछ फैक्ट्स को देखते हैं, कितने लोगों को लगता है 2 and 2 4 होते हैं, कितने लोगों को लगता है 2 and 2 makes 4, ये क्या होता है आपका मैथमेटिकल फैक्ट्स है ना। टू पैरेलल लाइंस नेबर इंटरसेक्ट ईच अदर, आपने पढ़ा होगा, आपके मैथ के टीचर जो हैं वो आपको बताए होंगे कि जो दो क्या होता है, जो पैरेलल लाइन होता है एक दूसरे को क्या नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो ये आपका मैथ्स का क्या था, ये आपका मैथमेटिकल फैक्ट्स है। यस वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें और सारे भी टाइप्स थे बट वो आपको नाइन्थ में पढ़ना है, ठीक है ना, नाइन्थ टेंथ में उसके बारे में हम लोग थ्रोली समझेंगे, डीपली समझेंगे, तभी तक के लिए इतना काफी है। चलिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, समथिंग विच इज इनकम्प्लीट वाइल सेइंग, समथिंग विच इज इनकम्प्लीट वाइल सेइंग। जैसे मैंने बोला ही इज स्पीकिंग, ओके ही इज टीचिंग, तो अभी पढ़ा रहा है, ठीक है ना, अभी भी वर्क क्या है, जारी है, पूरा पढ़ाना नहीं हो पाया है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए जो मैंने आप लोगों को दिया था, ठीक है ना, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वो एक लेटर लिख रहा है, ठीक है। जब वो इंसान बोला, ठीक है ना, उस समय भी वर्क क्या है, स्टार्ट है, ओके गाइज। तो क्या होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, समथिंग विच इज इनकम्प्लीट वाइल सेइंग। अब देखिए जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो कौन कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब इसका इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होता है इसका, इज होता है, एम होता है और आर होता है, ठीक है। बेसिकली समझ रहे हैं इसको, थोड़ा सा बेसिक इसको समझिए। सिंगुलर सब्जेक्ट जो है आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट जिसके साथ लगेगा वो किसके साथ लगेगा, तो इज के साथ लगेगा, यानी ही सी इट नेम, ये सब इस सब के साथ क्या लगेगा आपका, इज का यूज होगा। प्लुरल सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो हमारा वी है, दे है, आर है, इस सब के साथ क्या लगेगा आपका, आर लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए आई के साथ क्या लगेगा, एम का यूज होगा। अब देखिए फॉर्मेशन जो है इसका, स्ट्रक्चर्स का थोड़ा सा ये देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब 4, देखो वर्ब प्लस वर्ब 1 प्लस ing इज इक्वल टू वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, गेटिंग एवरीवन। जब हम इसकी नेगेटिव की बात करते हैं यहाँ पे, एक्चुअली नॉट छूट गया, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है ना, नॉट यहाँ पे लगा लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके यहाँ पे मिसप्रिंट है, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे आप नॉट लगा लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव समझे है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, ठीक है, तो वो कौन कौन सा, तो पहला क्या हमारा इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये कौन सा इंट्रोगेटिव है बताइए तो आप लोग, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा इंट्रोगेटिव है, यस नो, वेरी गुड, यस नो, और इसका ये डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड काफी आसान होता है, डब्ल्यू एच वर्ड्स को क्या कीजिए आप, यस नो इंट्रोगेटिव के आगे लगा दीजिए, ठीक है ना, आप वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, गेटिंग एवरीवन। चलिए कुछ सेंटेंस से देखते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, माय ब्रदर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं खड़ा हूं, ठीक है, सपोज करो मैं एक रूम में हूं, ठीक है, बस समझना, ठीक है, मैंने देखा कि मेरे जो ब्रदर हैं वो बच्चों को अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं ना वो क्या कर रहे हैं, अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
तो अभी भी वर्क क्या है, ये चालू है, ठीक है ना। अभी वर्क ये क्या है, गोइंग ऑन है, प्रोग्रेस में है। आ रही बात समझ में? तो ये मेरा क्या हो जाएगा सेंटेंस, ये आपका कंटिन्यूअस सेंटेंस में आएगा। ओके गाइस, जैसे अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स। अगर इसका हम बनाते हैं, इसका हम क्या बनाते हैं, अगर यस नो इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इज माई ब्रदर टीचिंग द स्टूडेंट्स। ओके, आफ्टर दैट देखिए हाउ इज माई ब्रदर, इसमें टीचिंग मिसप्रिंट है, यहाँ पे आप टीचिंग लिख लीजिएगा। ओके गाइज, यहाँ पे टीचिंग इज माई ब्रदर टीचिंग द स्टूडेंट्स। ओके एवरीवन, अब देखिए टू मेंशन, अब थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड लेवल की बात करते हैं, उसको आप थोड़ा देखिएगा और समझिएगा। अगर थोड़े स्टैंडर्ड लेवल की बात करते हैं इसमें, तो क्या भी बताएगा आपको, टू मेंशन अ लाइव एक्शन, ठीक है, यानी कि लाइव एक्शन जो सामने आपके चल रहा है, लाइव एक्शन उस जिसको बताए, ठीक है, जो लाइव एक्शन को बताए उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। ओके एवरीवन, जैसे कि सपोज करो कि आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो ये भी अभी लाइव एक्शन चल रहा है। आई एम टीचिंग, देखो ये सेंटेंस किसमें बना, आई एन जी लगा, आई एम टीचिंग, ये सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में बना। किसमें बना गाइस, आई एम टीचिंग, ये सेंटेंस किसमें बना, कंटिन्यूअस टेंस में बना। अभी सामने मेरे क्या चल रहा है, फैन चल रहा है, तो फैन इज मूविंग, ठीक है ना, मैं देख रहा हूँ, लाइव एक्शन है मेरे सामने, ये वर्क इज गोइंग ऑन एट द राइट टाइम, अ पार्टिकुलर पर्सन कैन सी, जिस चीज को देखता है पार्टिकुलर पर्सन, उसके सामने अगर कोई वर्क गोइंग ऑन रहे उसे भी हम लोग किसमें बनाते हैं, किसमें बनाते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखो जैसे राहुल इज रीडिंग अ नॉवल नाउ, ठीक है ना, आवर टीचर इज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर नाउ, वेरी गुड, यस, द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज बिजी ऑन अनदर नंबर। ओके, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, अगर आप कॉल लगाते हो तो आप देखते होगे कि आता है एक मैसेज, द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज बिजी ऑन अनदर नंबर। ओके एवरीवन, आता है ना ऐसे मैसेज, तो वो भी क्या है आपका, लाइव एक्शन है, ठीक है, एक साथ वो वर्क चल रहा है। वी आर वॉचिंग आईपीएल, हम लोग क्या देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं। गेटिंग एवरीवन, आई होप आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिफिनीशन और उसके बेसिक्स, और साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट्स का जो भी एडवांस लेवल, जो थोड़ा सा पोर्शन मैंने बताया आपको, वो समझ में आया होगा। ओके, और ये कंटिन्यूअस टेंस में मैंने जितना आप सभी को बताया ये समझ में आ गया होगा। इसका टू पॉइंट्स, आपका दो पॉइंट छूटा हुआ है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके ओके एवरीवन, Till, have a nice day, take care, keep yourself safe. Okay guys, have a nice day. Bye to all of you.